जोधपुर ट्रांजिस्ट कैंप सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग पूरी तरह झुलस गए। 7 लोग बच्चे हैं, करीब 4-5। आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे जिला? मतलब यहाँ हमने एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस बहुत टाइम बाद ही, मतलब 1-1.5 घंटे पहले का हादसा हुआ था, 1-1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुँची थी यहाँ पर। फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया था, फायर ब्रिगेड वाले जो पहुँचे थे वो भी 1-1.5 घंटे बाद पहुँचे थे, मतलब तब पहुँचे थे जब सारा काम हमने खुद ही कर दिया था। मतलब सिलेंडर जो है हमने लिहाफ भिगो कर, हम खुद ही लिहाफ ओढ़ कर सिलेंडर हमने खुद ही निकाला था। मेरा नाम अजय। रुद्रपुर ट्रांजिस्ट कैंप क्षेत्र में मोहल्ला विवेक नगर में एक पुत्री की को धराई की रस्म होने वाली थी। कार्यक्रम के लिए खाना बनाने के दौरान सिलेंडर किसी तरह लीक हो गया, सिलेंडर में आग लग गई। इस दुर्घटना में 5 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि जिस बेटी की को धराई होनी है वह लड़की यह मंजर देख कर बेहोश हो गई। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। क्या कैसे हुआ था? खाना बनना था, सिलेंडर में आग लग गई, पाइप में आग लग गई, सिलेंडर ने पकड़ ली। नुकसान तो पैसे टके थे, आज लड़की के रिश्तेदार आ रहे थे, नुकसान तो हुआ ही है काफी। कितने लोग आग में झुलसे हैं? 6। तो आप लोग अस्पताल कैसे पहुंचे? अस्पताल फिर गाड़ी उड़ी पहुंच गई, फोन करा किसी ने, लोग एम्बुलेंस से आए थे, कुछ प्राइवेट सवारी साइड से। तो फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दी थी? 2 पुत्र 16 वर्षीय मनोज, 18 वर्षीय विजय तथा वहां खेल रहे 2 बच्चे भांजे 3 वर्षीय आदर्श व आयुष नंदराम गंभीर रूप से झुलस गए। बेटी रेणु यह नजारा देखकर बेहोश हो गई। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। स्वागत जिंदगी से उत्तराखंड प्रभारी जे अहमद की खास।